सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री श्री आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य पर। निश्चित रूप से जीवन की कठिनाइयों का मूल स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य आपका बेहतर है तो और समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो जीवन की दिशा निर्धारित नहीं हो सकती। आनंद मार्ग आपकी हर समस्याओं का समाधान है। आप आनंद मार्ग से जुड़ेंगे तो पाएंगे कि आपका शरीर, आपका मन, हर कुछ आपका निर्मल हो जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की अगर आपको समस्या है तो आप आनंद मार्ग से अवश्य जुड़ें। हम आपके स्वास्थ्य को बेहतर चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी के लिए ये सीरीज़ बनाई जा रही है। आइए स्वागत करते हैं दादा का। दादा, आज का विषय एसिडिटी है। जी, हम एसिडिटी से शुरुआत करने जा रहे हैं जी, क्योंकि एक आज आम रोग है। बिल्कुल। और ये रोग हो जाने पर सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आज इसी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल दादा। एक गृहस्थ के लिए कहा गया है कि एक गृहस्थ का सुखी जीवन कैसे होगा, तो चार बात उसमें कही गई है। पहला सुख है निर्मल काया, दूसरा सुख है जेब में माया, तीसरा सुख है पतिव्रता नारी, और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। बिल्कुल। तो उसमें ये जो पहली बात है सुख का, इसकी कुंजी आदमी के अपने हाथ में है। तो चाहे तो इस ताले को खोल करके अंदर प्रवेश करके आदमी सुख में जीवन बिता सकता है। हमारे प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की चेष्टा है कि हमारा जीवन समन्वित कैसे हो, क्योंकि हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन है, बल्कि एक केमिकल फैक्ट्री है जिसमें बहुत प्रकार के केमिकल से इसमें पैदा होते हैं, पाचन रस के रूप में जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसको ये पचाने का काम करते हैं। अगर मशीन खराब हो, उससे तैयार होने वाले केमिकल्स दूषित हों, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार का रोग पैदा होता है। गुरुदेव की इच्छा है कि इन चीज़ों को केवल बीमार आदमियों को न दें, बल्कि हम समाज में इन चीज़ों का एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि आदमी बीमार हो ही क्यों। बिल्कुल। तो हमारा जीवन समन्वित हो, हम अपने बीमारी का कारण जानें, सही लक्षण देख करके उसका कारण ढूंढें, उसकी चिकित्सा हम सहज आसान ढंग से यौगिक तरीके से लें, उसमें कोई खर्चा नहीं है। तो अपने आप कर सकते हैं, अपने कर सकते हैं, क्योंकि बीमार हो करके और डॉक्टर को शरीर को समर्पित कर देना यह समाधान नहीं है।
कहते हैं कि रोगी सबसे बड़ा वैद्य होता है, सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को समझें, पथ्य और कुपथ्य का ध्यान रखें, विधि निषेध का ध्यान रखें, और कुछ जो चलती फिरती दवाइयां हैं जो आदमी कर लेता है उसका अगर आधार लें तो कोई रोग बढ़ने नहीं पावे, रोग कोई भयंकर रूप धारण न करे। तो दादा, पथ्य और कुपथ्य में भेद कैसे किया जाए? अब जैसे एसिडिटी किसी को है तो उसमें कोई भी कहेगा कि एसिडिक भोजन लेंगे तो कुपथ्य होगा, एल्कलाइन भोजन होगा वो पथ्य होगा, और एसिड बढ़ गया है अगर तो उसमें देखना क्या करने से तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो पथ्य और कुपथ्य का यही मतलब है कि जिससे हमारा रोग कंट्रोल हो जाए वो हमारे लिए पथ्य है, और जिससे हमारा रोग और एग्रीवेट हो जाए हमारे लिए कुपथ्य है। जैसे एसिडिटी है उसमें चाय कॉफ़ी आप पी रहे हैं जो हाईली एसिडिक है तो एसिडिटी और बढ़ाएगा, तुरंत आपको लगेगा कि आपको आराम मिला लेकिन एसिडिटी बढ़ा देगा। दादा, आज हर घर में मेरे ख्याल से हर घर का हर सदस्य चाय ज़रूर पी रहा है, तो थोड़ा सा चाय के बारे में बताएं कि ये क्या है, कौन सी बीमारी है जो हर घर में प्रवेश कर चुकी है और इसका क्या नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है? मैं बोलूँगा तो हमारे चाय खोर जो भाई बहन हैं हमसे नाराज़ हो जाएंगे लेकिन आपने प्रश्न किया है तो जवाब देना ही पड़ेगा। चाय एक पत्ती है जिसको रोस्ट करके और चाय के रूप में कन्वर्ट करते हैं पेय के रूप में, तो वो जो चाय होनी चाहिए अगर उस रूप में अगर पहुँचे आपके यहाँ तो ज़्यादा नुकसान नहीं, क्योंकि वनस्पति जगत में जितनी भी पत्तियाँ हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पौधे हैं, किसी न किसी रोग का इलाज है। लेकिन वही अनुपान भेद से आदमी को निरोग करता है, बीमार कर जाता है। तो जिस रूप में चाय आप ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं नशे के रूप में, वो नुकसान का इसलिए है कि हाईली एसिडिक है, और उसका जो कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं चाय की पत्ती को खूब उबालते जा रहे हैं, उबाल उबाल करके पता नहीं उसको किस प्रकार के केमिकल में हमने कन्वर्ट कर दिया, उसमें दूध जो ऐड कर रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, महज स्वाद के लिए उससे जो केमिस्ट्री उसकी बनी, वो जो केमिकल तैयार हुआ उसका टेस्ट होता नहीं है कि ये एल्कलाइन हुआ कि एसिडिक हुआ, इसलिए शरीर में जा करके वो एसिडिटी पैदा करता है और वो है एक प्रकार का पॉइजन तैयार हो जाता है। बिल्कुल, अगर 100 कप चाय को एक कप में कन्वर्ट करके कॉन्सेंट्रेट करके अगर किसी को दे दें तो मेरा ख्याल जहर जैसा तत्काल वो असर करेगा। यही अवस्था है कॉफ़ी का, कॉफ़ी भी सीड है, रोस्ट करके उसको बनाते हैं। तो जिस अवस्था में प्लांटेशन कॉफ़ी लिया और जरा सा उसको करके पी लिया तो नुकसान नहीं है, लेकिन हम पीते हैं नशे के लिए, नशे के लिए अम्ल के रूप में, इसलिए वो जाकर के शरीर बार बार पीते हैं, खाली पेट पीते हैं, सुबह उठते ही पीते हैं। दादा, अब देखिए वो इतना खतरनाक है, गाड़ी जब गर्म होती है, कार्बोरेटर गर्म होता है तो उसमें ठंडा पानी डालते हैं, रात भर मशीन के काम करने के बाद हमारा पेट गर्म रहता है तो सुबह उठते ही आदमी को जल पीना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है दिनांते च पिवेत पयम दिनांते च पिवेत दुग्धम, निशांते च पिवेत पयम, भोजनांते च पिवेत तक्रम, किं वेदस्य प्रयोजनम्। अगर हम सोने के टाइम में दिन के अंत में दुग्धार देते हैं, दूध का ग्लास पी करके सोते हैं, और सुबह उठते ही एक ग्लास सादा पानी पीते हैं और भोजन के साथ तक्र का व्यवहार करते हैं, तो ये सब मिलकर के अल्कलाइन रिएक्शन होगा, शरीर की एसिडिटी खत्म होगी, आदमी निरोग होगा। तक्र यानी दही ना दादा? मट्ठा छाछ। मट्ठा छाछ, दही मैंने सॉलिड हुआ कॉन्सेंट्रेटेड, और उसको हमने डायलोट कर दिया मत करके तो छाछ बन गया, छाछ ज्यादा हितकारी है। अच्छा, तो इस प्रकार से गुरुदेव की इच्छा है
कि आदमी क्योंकि आज इतना एडवांस है, सब चीज़ समझता है, अपनी बॉडी केमिस्ट्री समझता है, अपना नेचर समझता है, अपनी सफरिंग समझता है, तो ये भी समझे कि हमारे लिए क्या खाद्य है, क्या खाद्य है, हम कैसे निरोग होंगे, कैसे हम रोगी होंगे। अगर इन चीज़ों को समझेगा तो सहज जीवन, समन्वित जीवन जिएगा, यही गुरुदेव की इच्छा है। क्योंकि भगवान जब गुरु रूप में इस दुनिया में आते हैं तो उनको वो मानवता के प्रति, समाज के प्रति सब कुछ दे जाते हैं, तो उनको चिंता होती है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ स्वस्थ रहें। कोई बाप नहीं चाहेगा कि मेरा लड़का लड़की बीमार रहे, बिल्कुल। तो उनका कंसर्न है कि हमारा समाज का हर व्यक्ति निरोग रहे, उसकी काया निरोग हो, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो उनका जो संकलन है वो है योगी चिकित्सा व द्रव्य गुण, योग के द्वारा रोगों की चिकित्सा और कुछ छोटी मोटी जड़ी बूटियों से उसका निदान करें, और आसनों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, बंद के द्वारा हम इन रोगों का कैसे निदान करेंगे। क्योंकि शरीर एक खास अवस्था में रहने से एक खास प्रकार का रस ग्रंथियों से निकलता है और वो विभिन्न प्रभाव शरीर के ऊपर डालता है। अगर मान लीजिए हमारा पाचन रस दूषित हो रहा है, अपच हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो उसमें देखना है कि किस ग्रंथि को हम एक्टिवेट करेंगे तो ये हमारा काम बनेगा। बिल्कुल, तो वैसा ही आसन उन्होंने बतलाया है। दादा, आपने रोग इस एसिडिटी के कारण और लक्षण पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो फिर वापस आ करके और फिर उसके चिकित्सा और पथ्य वगैरह पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। Nobody is unimportant. Nobody is insignificant. Each and every existence is valuable. If an ordinary ant dies a premature death, the equilibrium of the entire universe will be lost. Nobody is unimportant. In an effort to relieve the suffering mankind and provide a healing touch with a balm of love, Sri B.R. Sarkar founded AMERT, the acronym for Ananda Marga Universal Relief Team. With this, he coined a new meaning to the concept and practice of service. True service, according to him, is that which is rendered without any expectations in return. Since its inception, AMERT has been providing selfless service to one and all, regardless of any differentiation of race, religion, color, gender, or social status. Today, AMERT is a global organization spread across 160 countries dedicated to disaster relief, rescue, and rehabilitation. AMERT is a role model of selfless service. We have carved a niche for ourselves as being the first to reach every disaster zone, whether it was providing relief to the victims of tsunami in Southeast Asia, rescue efforts for earthquake hit Iran, and rehabilitation of poverty-stricken areas in India. AMERT works silently with a single-minded pursuit of service for the benevolence. Guided by the sublime philosophy of selfless service as an essential element to God realization, AMERT is sensitive to local cultural needs of people and believes in involving the program beneficiaries in the management of the relief aid. It is AMERT's constant endeavor to reduce future vulnerabilities of the affected areas to subsequent disasters. As a principle, it never aligns itself to any political or religious standpoint. Neither it acts as an instrument of government's foreign policy. Above all else, AMERT holds itself accountable to those it seeks to assist and those from whom it accepts resources. As an organization, AMERT has no paid employees. All its work is done through volunteers inspired by a missionary zeal. The founder of AMERT, Sri P.R. Sarkar,
introduced a unique concept of development cooperation within the scope of AMERT. This program is designed to provide basic necessities of life to every individual through a balanced and eco-friendly approach. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आनंद मार्ग की अनेकों सेवाएं हैं जिनके बारे में आप धीरे धीरे ही जान पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य पर। आज की कड़ी है एसिडिटी पर। दादा से पूछते हैं कि एसिडिटी के लक्षण क्या हैं। दादा, अगर किसी को एसिडिटी हो गई तो सिर चकराना शुरू करता है, ढकार आना लगता है, गले में, पेट में, छाती में जलन शुरू हो जाती है और खट्टा ढकार आने लगता है। ये इसके लक्षण हैं। और इससे अगर थोड़ा ये लंबा हो जाए तो आदमी में दुर्बलता आ जाती है, क्योंकि हमारी शरीर की जो शक्ति है वो है लिम्फ सिस्टम। एसिडिटी की अवस्था में पूरा का पूरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और जितना हमारा रस है लिम्फ का पूरे शरीर में वो एसिडिक हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसलिए आदमी कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल, एसिडिटी दूर होते ही तत्काल हमको शक्ति आ जाती है, इसलिए एसिडिटी बहुत ही खराब रोग है। हट्ठा कट्ठा आदमी भी अगर एसिडिटी हो जाए तो 2 घंटे के अंदर में दुर्बलता महसूस करता है। अब लक्षण तो ये हैं, अब इसका आवश्यक है जानना कि कारण क्या है। कारण क्या है, क्योंकि कारण जाने बगैर अगर हम कोई एंटासिड खा लिया तो हो सकता है तत्काल हमको एसिडिटी न्यूट्रलाइज होती दिखे, लेकिन वो जो एंटासिड हमने खाया है उसको शरीर से बाहर करने के लिए तो किडनी को काम करना पड़ेगा, किडनी को ही फिल्टर करना होगा। क्योंकि हम जो चीज़ ऐसा खाए वो शरीर से बाहर करने के लिए जो शरीर के अंग है दूषित चीज़ को बाहर करने वाले वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर उससे हमने अधिक काम लिया, बार बार काम लिया, तो ये अंग धीरे 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 दुर्बल होकर के और काम करना बंद कर देते हैं। तो वही उसी को हम कहते हैं अंग का फेल्योर, किडनी का फेल्योर, हार्ट का फेल्योर, लीवर का सुस्त हो जाना, पैंक्रियाज का सुस्त हो जाना, ये सब धीरे धीरे लक्षण आ जाते हैं और आदमी सफ़र करता है, बहुत बड़े रोग का जन्म दे देता है। इसका कारण है, बहुत ये ध्यान से सुन करके समझने की बात है कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन पचना मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगर हमने रोटी खाई और खूब चबा चबा करके खाया तो एक उसमें मिठास शुरू हो जाता है मुंह में ही। मिठास का मतलब है कि प्रोटीन ब्रेक हो रहा है, तो वहीं से पचना शुरू हो जाता है। तो अगर हमने दूषित भोजन किया, गुरुपाक भोजन किया, जिसको पचाने में हमारी पाचन प्रणाली अक्षम हो रही, तो वही भोजन दूषित गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और चूंकि शरीर के अंग अपने उसकी हमारी जो ग्रंथियां हैं वो पाचक रस पैदा करती है कि जो भोजन हमने ग्रहण किया उस भोजन को वो रस पचावे। तो जो भोजन हमने किया वो खुद ही दूषित गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो जो हमारा पाचन रस है वो अपने आप में एसिड है, तो उसको भोजन पचाने का मौका नहीं मिला, तो वो भी एसिडिटी में कन्वर्ट हो गया। भोजन भी दूषित गैस में कन्वर्ट हो गया और जो भोजन को पचाने वाला पाचक रस है वो भी दूषित हो गया। इसी को हम एसिडिटी नाम से जानते हैं। अब ये एसिड पैदा हो जाने से इसका प्रधान कारण है
जो खाना था वो हमने खाया नहीं, सुपाच्य भोजन नहीं लिया, गुरुपाक भोजन लिया, विषम भोजन लिया, जो नहीं करना चाहिए उसको कर लिया, क्योंकि भोजन में 3/4 एल्कलाइन होना चाहिए, क्षार धर्मीय भोजन होना चाहिए, 1/4 अगर एसिडिक हुआ तो चल जाएगा, लेकिन इसका ध्यान तो होता नहीं। मिठाई अगर कोई पसंद आई, खूब खा लिया तो पहुंच करके एसिडिटी हो गई। कोई पकौड़ा है, कोई तली हुई चीज़ है, पसंद आई तो खूब गरम गरम आ रहा है, खूब खा लिया, और खूब जल्दी जल्दी खा लिया, बिना कूचे खा लिया। हाँ, तो सारा का मुंह का काम फिर आंत को करना पड़ेगा, तो ये मेन कारण हुआ कि दूषित भोजन रस और शरीर का जो पाचन रस है, वो जो भोजन को पचाता, वो भी दूषित हो गया, वही बन करके शरीर में अम्ल बन जाता है, उसी को कहते हैं एसिडिटी। गले में पहुंच करके यही जलन पैदा करता है, पेट में पहुंच करके यही जलन पैदा करता है, ऊपर पहुंचता है गैस रूप में, जब क्योंकि गैस तो बनी हुई है, बिल्कुल, जो भोजन जो गैस में बदल गया है वो भी गैस बनी हुई है, वो अगर सिर में आगे ऊपर पहुंचता है तो सिर चकराता है। तो ये इसका कारण प्रधान यही है। तो दादा, इसकी चिकित्सा क्या है फिर, इसका हल क्या है? चिकित्सा यही है कि जब यौगिक चिकित्सा की हम बात करते हैं तो इस पर यह है कि प्रातःकाल बेड पर ही हम उत्क्षेप मुद्रा से शुरुआत करते हैं और शौच वगैरह जा करके हम आसन करते हैं। आसन में है मयूरासन, पादहस्तासन, सुबह को मयूरासन, पादहस्तासन, उड्डयन मुद्रा, अग्निसार मुद्रा, आग्नेयी मुद्रा और आग्नेयी प्राणायाम, ये है सुबह का। इतना करने से इसमें मयूरासन हमने कहा, मयूरासन एक ऐसा यौगिक अभ्यास है कि जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स को, मणिपुर चक्र से संबंधित जितनी ग्रंथियां हैं उसको ठीक करती है। नेचर में रहते हुए हमारे ऋषि महर्षियों ने, योगियों ने प्रकृति के जीवों को देखा, मोर को देखा, कि मोर एक खास अवस्था में रहता है, उसकी अवस्था से उसका लीवर, उसकी पेंक्रियाज का एक्सरसाइज होते रहता है, उसका स्राव ठीक रहता है, संतुलित रहता है। इसलिए कहते हैं कि मोर का आहार सबसे खराब है, कठोर भोजन करता है, सांप का मांस खाता है। वह कहते हैं मांसाहार में जितने प्रकार के मांस है उसमें सबसे खराब पचने में है सांप का मांस, लेकिन मोर को तो कोई शिकायत नहीं है। इसलिए मयूरासन अगर किया जाए तो हमारा लीवर, पैंक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड्स, ये सब ऐसा स्राव पैदा करते हैं शरीर में कि अजीर्ण नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, भोजन ठीक से पचेगा। तो सुबह को उत्क्षेप मुद्रा से शुरू करके मयूरासन, पादहस्तासन, आग्नेय मुद्रा, आग्नेय प्राणायाम और अग्निसार मुद्रा, ये सुबह का है, बिल्कुल। और शाम को सर्वांगासन, मत्स्येन्द्रासन, आग्नेय मुद्रा और आग्नेय प्राणायाम। ध्यान ये रखना होगा आसन करते वक्त में, ध्यान ये रहे कि दाहिना स्वर न चलता हो, बायां चल रहा है या दोनों स्वर चल रहा हो तब आसन करना चाहिए। इसलिए अच्छा होगा आनंद मार्ग के किसी आचार्य से, या लेडीज हैं तो किसी आचार्य से, लेडी आचार्य से इनको सीख करके, बिल्कुल दादा, हाँ, उनको उतारे, बिल्कुल, तब उनका आसन ठीक से होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसका समय भी जानना होगा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी लेनी होगी। तो हमारी प्रार्थना है कि आप जो हमारे नए दर्शक हैं वो आनंद मार्ग के सन्यासी या सन्यासिनी से जुड़ें,
संस्था से जुड़ें और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लें, तभी इन योगिक क्रियाओं को करें, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। आज दादा यहीं पर विराम लेते हैं, इसी पर डिटेल चर्चा करेंगे हम फिर अगले एपिसोड में। जी नमस्कार। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, 723215 इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725। आवर वेबसाइट www.amps.net.in। कैंप ऑफिस मधु मंजुषा, हेहल रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725। दिल्ली ऑफिस D41 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, न्यू दिल्ली 110049। फोन नंबर्स 011-2464-3344, 098-1892-7367, 099-9998-792। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।